नमस्कार, योग परिचय के द्वितीय अभ्यास सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस अभ्यास की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सुखासन, अर्ध पद्मासन व पद्मासन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, आंखों को कोमलता से बंद करें। एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विधिविषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। धीरे से दोनों हथेलियों को अपनों आंखों के ऊपर रखें और धीरे से हथेलियों को नीचे लाते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। पुनः एक बार आप सबका योग परिचय के द्वितीय सत्र के अभ्यास क्रम में स्वागत है। आज की अभ्यास में हम पूर्व किए गए क्रियाओं व आसनों का पुनः अभ्यास करेंगे, परंतु साथ ही हम कुछ नए आसनों का आज इस द्वितीय सत्र में अभ्यास करेंगे, जिसमें वृक्षासन, विश्राम आसन, दंडासन और वज्रासन। तो आइए सबसे पहले हम चालन क्रिया की शुरुआत करते हैं। इसके लिए अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पैरों में 2 इंच का अंतर करें, आंखों को बंद करें व अपने शरीर को जांचें। एक बार देखें आप इस क्रिया के लिए पूर्णतः तैयार हैं। चालन क्रिया हमारे शरीर को लचीला बनाता है। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाओं के लिए दोनों हाथों को अपने कमर पर रखिए। पहला अभ्यास चालन क्रिया की गर्दन को आगे व पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। गर्दन के अग्रभाग में जो खिंचाव है उसे महसूस करें। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। ग्रीवा की अगली क्रिया गर्दन को बाईं व दाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। विपरीत दिशा में इसके खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। अगला क्रिया गर्दन को बाईं व दाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर जाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। गर्दन में होने वाले खिंचावों को महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं।
अगला क्रिया गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः गर्दन को ठुड्डी के पास लाएं। पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएं। तत्पश्चात इसी क्रिया को घड़ी की उल्टी दिशा में दो बार दोहरा जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएं। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। अब श्वास भरते हुए मध्य में आएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद करें और ग्रीवा की क्रिया का आपके ग्रीवा पर क्या प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए। हथेलियों बाहर की तरफ रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पुनः एक बार इसी क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए भुजाओं को बगल से उठाइए, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं। पुनः एक बार इस क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास स्कंद चक्र। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले जाइए। अपने उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे की तरफ मिलाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को गोलाकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहरा जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब इसी क्रिया को उल्टी दिशा में करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरते हुए आगे की तरफ आएं। श्वास छोड़ते हुए और पुनः श्वास भरते हुए आगे आएं। और अब हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। इसके लिए आप पैरों में 2 से 3 फुट का अंतर करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकें। श्वास भरते हुए मध्य में आएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। पुनः इस क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं, श्वास भरते हुए मध्य में आएं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। श्वास भरते हुए वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। पैरों को मिलाएं। कटी चालन की अगली क्रिया। दोनों पैरों में कंधों की इतना दूरी बनाएं। हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाइए। हथेलियां आमने सामने होगी। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास
श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए मध्य भाग में आए और अपने हाथों को वापस ले जाइए। आंखें बंद करें और इस क्रिया का जो प्रभाव हुआ उसे महसूस करें। पैरों को मिला लें। अगला अभ्यास चालन क्रिया में घुटना चालन क्रिया का अभ्यास। पुनः पैरों में कंधों के इतना अंतर करें। जिनको घुटने का दर्द है वह इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। यह अभ्यास हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है और घुटने की मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। चालन क्रियाओं के बाद अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। योगासन की श्रेणी में सबसे पहला अभ्यास ताड़ासन। जिनको घुटने में दर्द हो कृपया कर एड़ी को ऊपर ना उठाएं। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दाईं तरफ घूम जाएं। पैरों के बीच 2 इंच का अंतर बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कर दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। शरीर एक सीध में है इसका अवलोकन करें, इसे जांचें। पैर से लेकर आपकी उंगली तक, हथेली तक पूरा शरीर एक सीध में होना चाहिए। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास यहाँ रखेंगे। ताड़ासन यह हमारे शरीर में संतुलन को स्थापित करने में सहायक है। एड़ियों को वापस लाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। पुनः एक बार बाईं तरफ घूमें। वृक्षासन के लिए हम तैयार करेंगे। वृक्षासन, इस आसन का आकार वृक्ष के समान होता है, इसलिए इस आसन को वृक्षासन कहा गया है। यह आसन संतुलनीकरण आसन के एक प्रमुख आसन माना गया है, अर्थात यह आसन हमारे शरीर व मन को संतुलन स्थापित करता है। वृक्षासन के लिए सबसे पहले हम सरल वृक्षासन का अभ्यास करेंगे, अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण वृक्षासन का अभ्यास नहीं कर सकते उनके लिए सरल वृक्षासन है। श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को अपने टखने या घुटने के पास लाएं। दोनों हाथों को सामने की तरफ नमस्कार मुद्रा में रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ सामने एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। यह सरल वृक्षासन है। यदि आप इसमें संतुलित स्थापित कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में शरीर से ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ें व अपने दाहिने पैर व हाथों को नीचे की तरफ सामान्य स्थिति में ले आइए। पुनः इसी आसन को दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए
बाएं पैर को दाहिने पैर के टखने या घुटने पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में व यहां पर सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। जिन व्यक्ति को घुटने में दर्द या संतुलित स्थापित करने में कुछ समस्या है, वो व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करे। जो व्यक्ति मोटापा से ग्रसित हैं, वो व्यक्ति भी इस आसन का अभ्यास ना करे। सांस छोड़ते हुए अपने पैर व अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। यह सरल वृक्षासन का अभ्यास है। अब हम पूर्ण वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में बनाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में बने रहिए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों में तालमेल करने में सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए और विश्राम करें। पुनः हम इस आसन को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में बनाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में बने रहिए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों में तालमेल करने में सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। और विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए तैयार हो। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास छोड़े व सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहे। यह आसन श्वसन की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए।
श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन, जो आज हमारा मुख्य बिंदु है पाद हस्तासन का, उस आसन का अब हम अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन, पाद मीन्स पैर, हस्त मीन्स हाथ, अर्थात अपने हाथों को पैर के पास रखना, यह पाद हस्तासन है। जिन व्यक्ति को कमर से संबंधित कुछ समस्या हो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। जिन व्यक्ति को किसी प्रकार की सर्जरी हुई है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके और पहले हम सरल अवस्था का पाद हस्तासन, जो सरल पाद हस्तासन है उसका अभ्यास करेंगे। पैर के घुटनों को मोड़ लीजिए, हाथों को जितना संभव हो आप अपने पैर के पास ले जाएं, किसी प्रकार की खिंचाव या दबाव ना दें। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। यह आसन उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जिनका पेट का चर्बी बढ़ा हुआ है, कमर में लचीलापन लाता है, जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को प्रवाहित करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ आए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। यह पाद हस्तासन का सरल अभ्यास है। अब हम पाद हस्तासन का जो मुख्य आसन है उसका अभ्यास करेंगे। पैरों में समान अंतर बने रहेंगे, श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाव करें और धीरे धीरे आप अपने हथेलियों को पैर के पास रखें, माथा को नीचे की तरफ खींचें, यथा संभव जितना संभव हो उतना ही प्रयास करें। यदि संभव है तो माथा को अब आप अपने घुटने या घुटने के नीचे ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए और आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस आसन का आपके कमर, आपके मस्तिष्क, आपके उदर पर क्या प्रभाव हुआ, आपके वक्षस्थल पर क्या प्रभाव हुआ उसे आप महसूस करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहला आसन विश्राम आसन, पैरों को सामने की तरफ करें, पैरों में कुछ इंच का अंतर करें और दोनों हथेलियों को अपने कमर के पीछे रखिए। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में बने रहें। यह विश्राम आसन है। बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए यह आसन है। इससे हमारे शरीर व मन में आराम मिलता है।
विश्राम आसन से सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने लाएं और दोनों पैरों को मिला लें। अगला अभ्यास दंडासन। दंडासन, इसकी आकृति दंडे के समान होती है, इसलिए आसन को दंडासन बोला गया है। इसमें पैर की तलवे से लेकर नितंब तक टखने पूरा खिंचाव होता है, कमर व गर्दन सीधी रखनी है। यह दंडासन की स्थिति है। दोनों हथेलियों को नितंब के अगल बगल में रखेंगे, दृष्टि सामने की तरफ, आँखों को बंद करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहेंगे। दंडासन यह हमारे कमर दर्द, यह दंडासन है। अगला अभ्यास हम वज्रासन करेंगे। वज्रासन, सबसे पहले हम सरल वज्रासन का अभ्यास करेंगे। सरल वज्रासन के लिए आप अपने पैर के नीचे, टखने के नीचे आप कुशन या कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। जिन व्यक्ति को घुटनों में दर्द हो या घुटने से संबंधित कुछ समस्या हो, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। वज्रासन हमारे शरीर के पाचन तंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अब आप कुशन का प्रयोग करें और दाहिने पैर को मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में आए, दाहिने पैर को मोड़ें, पुनः बाएं पैर को मोड़ें और अपने टखने को, पंजे को कुशन के ऊपर रखिए। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें। यह वज्रासन की सरल विधि है। सामान्य श्वास प्रश्वास बने रहेंगे। अब आप कुशन का प्रयोग ना करें, कुशन को हटा दीजिए और पूर्ण वज्रासन, संपूर्ण वज्रासन का अब हम अभ्यास करेंगे। यह वज्रासन है। दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं, नितंब दोनों पैरों के बीच में, कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, श्वास की गति सामान्य बनी रहेगी। यह आसन घुटनों और टखनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, परंतु जिन व्यक्ति को घुटने का दर्द है वो इस आसन का अभ्यास ना करे। यह आसन शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। अब आप पेट के बल लेट जाइए। यह मकर आसन की स्थिति है। पैरों में कुछ इंच का अंतर करें, उंगलियां बाहर की तरफ, दाहिने हथेली के ऊपर बाईं हथेली को रखिए और गर्दन को हथेली के ऊपर रख दीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करें और विश्राम करें। यह मकर आसन है। यह आसन शरीर व मन को विश्राम प्रदान करता है। श्वास प्रश्वास सामान्य बनाए रखें। अगला अभ्यास सरल भुजंग आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, गर्दन को सीधा करें और दोनों हाथों को सामने की तरफ खिंचाव दें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए हथेलियों को सिर के पास व केहोनी को वक्षस्थल के पास लाएं। टुड्डी को जमीन से लगाएं।
पैर आपस में मिले हुए हो, घुटने आपस में मिले हो। सांस छोड़ते हुए अपने टुड्ढी, गर्दन व छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह सरल भुजंग आसन है। यह आसन श्वसन की क्षमता को सुधारता है व पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है। साथ ही यह कब्ज में भी राहत देता है। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आए और मकर आसन में लेट जाएं। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दाई या बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। शरीर को सामान्य स्थिति में लाएं। पीठ के बल लेटने वाले आसनों के लिए स्वयं को तैयार करें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और अपने वक्षस्थल के पास लाइए। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाइए और टुड्ढी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। यह आसन पवन मुक्तासन है। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएं, पैर को धीरे से जिस प्रकार आप गए उसी प्रकार से पैर को वापस लाइए और शवासन में विश्राम करिए। एक बार पुनः हम इस आसन को दोहराएंगे। पैरों को आपस में फिर से मिलाइए। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और घुटनों को वक्षस्थल के पास लाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए और टुड्ढी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व पैर को नीचे की तरफ लाएं। और शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास हमारा शवासन है। शवासन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन योग में माना गया है। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अभी तक हमने जितने भी आसनों का अभ्यास किया या चालन क्रियाओं का अभ्यास किया उन सब को शवासन में अनुभव करें। उन आसनों से, उन चालन क्रियाओं से आपके शरीर, आपके मन पर क्या प्रभाव हुआ उसे इस आसन में
अच्छी तरह से विश्राम दें। अपने शरीर को विश्राम दीजिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। निरंतर इसी अभ्यास को करते जाएं। गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। हर श्वास के साथ अनुभव करें, मैं जब भी श्वास ले रहा हूँ, ले रही हूँ, शरीर व मन में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जब भी श्वास को बाहर निकाल रही हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन पहले से शिथिल हो रहा है। गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए और शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शरीर को शिथिल होने दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और शरीर को शिथिल होने दें। गहरा लंबा श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता बनाए रखें व शरीर को शिथिल होने दे। यह आसन चिंता व तनाव को दूर करने में सहायक है। लंबा गहरा धीमा श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। अब कुछ पल के लिए अपने ध्यान को श्वास की गति पर केंद्रित करें। देखें आपकी श्वास की गति को महसूस करें। पहले से शरीर शिथिल हो गया है, ऐसा अनुभव करें। अब यहीं पर शवासन का समापन करेंगे। पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में हलचल करें। बाई या दाई करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए, सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन और वज्रासन। जो आप आसन आराम से बैठ सकते हैं, उसी आसन में आप आराम से बैठिए। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी करें। एक बार अपने शरीर को पुनः अवलोकन करें, उसे जांचें, क्या आपका कमर गर्दन सीधी है, हाथ ज्ञान मुद्रा में है, आंखें कोमलता से बंद हैं। अब हम
दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। यौगिक गहरा श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे दीर्घ श्वास लें और दीर्घ प्रश्वास करें। प्रयास करें हर सांस के प्रति दीर्घता बनी रहे, हर प्रश्वास के प्रति दीर्घता बनी रहे। श्वास और प्रश्वास लेने में किसी प्रकार की जल्दी ना करें। ध्यान रखें आपका श्वास लंबा, गहरा व लयबद्ध होना चाहिए। जब श्वास लें, श्वास भरते समय आपका उदर बाहर की तरफ जाए, आपका वक्ष स्थल में फैलाव हो, कंधे ऊपर की तरफ जाए, पेट वक्ष स्थल व कंधे में एक विस्तार होना चाहिए। और जब आप प्रश्वास करें, श्वास छोड़ें, तब आपके कंधे वक्ष स्थल व उदर प्रदेश में शिथिलता का अनुभव होना चाहिए। इसी गहरे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते जाएं। श्वास लंबा, गहरा व लयबद्ध होना चाहिए। हर एक श्वास प्रश्वास में अपने मन को शिथिल, अपने शरीर को शिथिल होता हुआ महसूस करें। अब दीर्घ श्वास प्रश्वास का यहीं पर समापन करेंगे। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा को बने रहने दें, इसी अवस्था में रहेंगे। और अब हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद करें, बाएं नासारंध्र से श्वास को पहले बाहर निकालें, पुनः बाएं नासारंध्र से श्वास भरें, बाएं नासारंध्र को बंद करें व दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें, पुनः दाएं नासारंध्र से ही श्वास लें, दाएं नासारंध्र को बंद करें व बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करें। यह एक चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का हुआ। ऐसे पांच चक्रों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें सांस लयबद्ध हो, सांस में किसी प्रकार का झटका ना दे, गहरा श्वास हो, लयबद्ध हो। इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम का पांच चक्र अभ्यास करते जाएं। दाहिने नासारंध्र से सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएं, पुनः दाहिने नासारंध्र से ही श्वास भरे और बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करते जाएं। आप अपनी
क्षमता के अनुसार श्वास व प्रश्वास की गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम यह हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यह संपूर्ण शरीर में रक्त संचार को प्रवाहित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। जब 5 चक्रों का अभ्यास पूर्ण हो जाए तो पुनः आप ज्ञान मुद्रा में वापस आ जाएंगे। इस प्राणायाम का प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क में हुआ उसे अनुभव करें। मन पहले से कितना शांत, कितना एकाग्र हुआ उसे महसूस करें। इस प्राणायाम के बाद अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के बिना योग साधना संपूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान की अभ्यास के लिए आप ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा का धारण कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी है, इस बात को पुनः एक बार जांच ले, क्योंकि ध्यान के अभ्यास के क्रम में आपको शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं करना है। तीन बार लंबा गहरा धीमा श्वास प्रश्वास करें। लंबा श्वास ले और धीमा सांस छोड़ें। हर श्वास में महसूस करें, मैं जब भी श्वास ले रही हूँ मेरे शरीर में मेरे मन में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक सकारात्मक हमारे मन में आ रही। मैं जब भी श्वास को बाहर निकाल रही हूँ मेरे मन में जो भी नकारात्मक विचार है, जो भी नकारात्मक तथ्य है, वो सब बाहर निकल रहे हैं। तीन बार श्वास प्रश्वास के बाद अब ध्यान को केंद्रित करें अपनी आज्ञा चक्र पर। दोनों भावों के बीच आप अपनी ध्यान को केंद्रित करें। आंखें बंद करें और ध्यान में लीन हो जाए, ध्यान में लीन हो जाए। श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि श्वास प्रश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए ध्यान में लीन व तटस्थ हो जाए। यदि संभव हो तो आप थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की तरफ उठा सकती हैं, अथवा यदि आप इसी स्थिति में अच्छा महसूस कर रही हैं तो इसी स्थिति में ही ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमारे शरीर और मन और श्वास, इन तीनों में एक समन्वय लाता है। शरीर जब स्थिर हो जाता है, मन शांत होता है और श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाती है, मन एकाग्र और शांत हो जाता है।
ध्यान के क्रम में मन में अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं, आ सकते हैं। प्रयास करें उन विचारों से निर्विचार हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाइए। आंखें बंद रहेंगे, लंबा गहरा धीमा श्वास ले। एक ओम उच्चारण के साथ शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। हथेलियों को धीरे से वापस लाते हुए धीरे से अपने आंखों को खोल लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। योग परिचय के द्वितीय दिवस के व्याख्यान सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले सत्र में आपने योग परिचय को विस्तार पूर्वक जाना है। आज का हमारा विषय है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का एक परिचय और उसके योग साधना में क्या महत्व है। तो आइए व्याख्यान को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति
शांत है। धन्यवाद। पुनः एक बार आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग का विकास क्यों हुआ और आज का जो हमारा विषय है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, हम सब इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि योग आज के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग सामान्य जन के लिए है। योग का यदि हम इतिहास देखें तो हजारों वर्ष पुरानी यह योग की विद्या, योग की विज्ञान जो समय के अनुसार विकसित हुआ और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ। जब भी पहले हम योग की साधना करते थे, योग का अभ्यास करते थे, तो कुछ ग्रंथ या कुछ जो योग के किताब हैं उनको हम देखते थे, उसके अनुसार हम उसकी साधना करते थे। जैसे यदि हम उदाहरण दें 13वीं शताब्दी में जब हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी ने दिया, उस समय उन्होंने उस प्रदीपिका में पहले आसनों का जिक्र किया और बाद में फिर षटकर्म का जिक्र किया। परंतु 1650 ईस्वी में जब महर्षि घिरण जी ने घिरण संहिता नामक एक योग की ग्रंथ दी, उसमें उन्होंने पहले षटकर्म को लिया फिर बाद में आसनों का जिक्र किया। ऐसा इसलिए मैं मान रहा हूँ कि जिस समय स्वात्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका की रचना की थी उस समय शायद षटकर्म की आवश्यकता नहीं होगी सामान्य जनमानस को, परंतु बाद के कुछ वर्षों में आवश्यकता पड़ी और फिर उसके अनुसार स्वामी घिरण जी ने पहले षटकर्म की आवश्यकता को निर्धारित किया। उसी प्रकार से जो योग की परंपरा चली आ रही है, षटकर्मा, आसन, प्राणायाम, ध्यान, परंतु कुछ परिवर्तन के बाद, कुछ सालों के बाद आधुनिक युग में जो हमारे आधुनिक योग ऋषि हैं, योग के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यह महसूस किया कि समय के अनुसार जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य में आलस, शिथिलता, एक तरह से ऐसी समस्याएं मनुष्य में आती जा रही है जिसका एक निदान करना आवश्यक हुआ। कैसे कम समय में अधिक से अधिक लोगों के पास योग की क्रिया, योग की प्रक्रिया और योग के अभ्यासों को पहुंचाया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की विषय में यदि हम ले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को, तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम नया शब्द नहीं है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को जो अनेक प्रकार के योग के स्कूल हैं, योग के विश्वविद्यालय हैं या योग के गुरु, योग के विशेषज्ञ हैं, वो अलग अलग नामों से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की रचना की है। जैसे कहीं पर इसका नाम शिथिलीकरण क्रिया, कहीं पर चालन क्रिया, कहीं पर पवन मुक्त आसन श्रेणी की क्रिया, इन क्रियाओं का नाम अलग अलग दिया गया है, परंतु इन सबका उद्देश्य एक ही है। हाँ, इसमें एक ऐसा भी देखा गया है कि इन क्रियाओं का अभ्यास किसी संस्थान में, किसी स्कूल में कहीं बैठकर पहले शुरू करते हैं, कहीं पर लेटकर अभ्यास कराते हैं, कहीं पर खड़े होकर के इसका अभ्यास कराते हैं, परंतु सबका उद्देश्य एक ही है। यदि हम आज के विषय पर बात करें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पर, तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, एक बार हम इसके इतिहास और इसके प्रचार प्रसार के जो मुख्य बिंदु हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की रचना महर्षि कार्तिकेय जी, उन्होंने जनमानस की आवश्यकता के अनुसार यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की रचना की। आधुनिक युग के महान योगी हैं महर्षि कार्तिकेय जी। तत्पश्चात उन्होंने काफी वर्षों तक हिंदुस्तान के
हर शहर, हर गांव, हर कस्बा, हर क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार किया, निरंतर इसका प्रचार प्रसार किया। उसी प्रचार प्रसार के क्रम में उनको आवश्यकता आन पड़ी, उनको आवश्यकता हुई कि अब इस क्रिया को एक संख्या के नंबर से इसको बनाया जाए और इसको और ज़्यादा जो सामान्य जनमानस है उनके पास तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके विषय में उन्होंने काफ़ी सोचा, काफ़ी समय तक अनुसंधान किया और फिर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को इस कार्य को, इस सूक्ष्म व्यायाम रूपी जो अभियान है, जो जनमानस के लिए कल्याणकारी है, उसको उन्होंने सौंप दिया। फिर स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इस क्रिया को एक रूप दी, उन्होंने एक संख्या बनाई। जिस प्रकार से एक माला में मोती को एक एक ढंग से, एक एक तरीके से गूंथा जाता है, संयोजा जाता है, उसी प्रकार से स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने उसमें 48 क्रियाओं का जिक्र किया और उन्होंने एक किताब लिखी जिसे हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम व स्थूल व्यायाम के नाम से जानते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम की, उसमें उन्होंने 48 यौगिक सूक्ष्म व्यायाम व 5 स्थूल व्यायाम की चर्चा की। जैसा कि हम नाम से जानते हैं कि यौगिक अर्थात योग, सूक्ष्म और व्यायाम, जो हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो क्रिया करते हैं व्यायाम, यानी कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालता है, हमारे शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म जोड़, सूक्ष्म से सूक्ष्म नस और नाड़ियों के ऊपर प्रभाव डालता है और ये बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से डालता है प्रभाव। सूक्ष्म व्यायाम की ये चर्चा करने के पश्चात यदि आप, हम उनकी जो लिखी हुई जो ग्रंथ है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, तो उसमें उन्होंने जो वैज्ञानिक ढंग से जो चर्चा की, 48 क्रियाओं का जो जिक्र किया, वो हमारे शरीर के मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक की 48 क्रियाओं का जिक्र किया। बहुत ही विशेषता है इन क्रियाओं की। और यदि हम आप देखें तो प्रथम जो 4 जो क्रिया उन्होंने बताया है मस्तिष्क के लिए, उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, यदि हम इस पर प्रकाश डालें, यदि हम इसको देखें, तो उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया हमारे उच्चारण स्थल को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही साथ वह हमारे विशुद्धि चक्र को भी शुद्ध करता है। अर्थात यौगिक सूक्ष्म व्यायाम यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो यह हमारे शरीर, हमारे मन व हमारे श्वास के ऊपर समन्वय बनाकर एक बहुत ही अच्छा कार्य करता है। जैसे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की विशेषता देखें, एक स्थान पर आप खड़े होकर बिना शरीर में किसी प्रकार के परिवर्तन किए वेग के साथ सांस की गति को लेना और वेग के साथ, उसी वेग के साथ सांस की गति को छोड़ना, और फिर उसका वहाँ पर प्रभाव होता है और मानसिक रूप से भी हम अपने मन को वहीं पर केंद्रित करते हैं जहाँ पर हम, जिस क्रिया के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। तो पहला जो 4 क्रिया है यदि हम बताएं तो वह बौद्धिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात यदि हम देखें तो उन्होंने आगे की तरफ मस्तिष्क से नीचे की तरफ जो ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन की क्रिया, तो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया जो है हमारा, हमारे ग्रीवा पर तो प्रभाव डाल ही रहा है, जो हमारे गर्दन पर उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव हो रहा है,
परंतु साथ ही साथ वहाँ पर जो उसकी जो नस नाड़ियाँ हैं, जो नस नाड़ियाँ जो हमारे मस्तिष्क में जो रक्त की प्रवाह हो रही है उसको भी शुद्ध करता है। यदि हम चिकित्सीय रूप से देखें तो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया जिनको गर्दन से संबंधित कोई समस्या है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, साथ ही साथ गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हमने उदाहरण दिया है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो पूरे ग्रंथ को यदि हम पढ़ें, यदि पूरे ग्रंथ को हम देखें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात कि उसमें सभी क्रियाओं के पहले शक्ति और विकासक क्रिया का नाम जोड़ा गया है, शक्ति और विकासक शब्द का प्रयोग किया गया है। आमतौर पर जब हम योग का अभ्यास करते हैं या कुछ भी हम व्यायाम का अभ्यास करते हैं तो सिर्फ हम उस आसनों का या सिर्फ हम उस व्यायाम का नाम लेते हैं, परंतु यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया में शक्ति और विकासक शब्द लगाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात यदि हम उस क्रिया को कर रहे हैं, शरीर के जिस अंग के लिए हम क्रिया को कर रहे हैं उस क्रिया का वहाँ पर शक्ति होगा, उस क्रिया का वहाँ पर विकास होगा, और जब हमारा शरीर में किसी अंग पर किसी क्रिया पर शक्ति और विकास होगा तो स्वाभाविक है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से हम प्रभावित कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जिस प्रकार से 48 क्रियाओं का जिक्र किया गया है, इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें शरीर के किसी एक अंग को अंग का 10 क्रियाओं के नाम से बताया गया है, 10 क्रियाएं बताई गई है उस अंग की, जैसे उदर शक्ति विकासक, इसमें 10 क्रियाएं। अब उदर तो हमारा एक ही है, परंतु उसको परिवर्तन करके किस प्रकार से परिवर्तन करना है, सांस की गति को कितना तेज लेना है, किस प्रकार सांस की गति को धीमा करना है, किस प्रकार से सांस लेते समय पेट को बाहर की तरफ ले जाना है, किस प्रकार से सांस छोड़ते समय पेट को संकुचन करना है, किस प्रकार से सांस वेग के साथ लेकर अपने उदर को बाहर निकालना है और उसी वेग के साथ फिर पेट को अंदर लेना है, उदर शक्ति विकासक। तो यदि हम उदर शक्ति विकासक का उदाहरण दें तो यह क्रिया शारीरिक रूप से हमारी जो उदर संबंधित जो समस्याएं हैं जैसी बढ़ी पेट की चर्बी उसको तो कम करता ही है, साथ ही साथ हमारे उदर के अंदर पेट में जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, उन सबके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। और इसी को यदि हम आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो जो हमारा मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र के ऊपर भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है, अर्थात उसको शुद्ध करने की एक पहले की प्रक्रिया है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में एक और बात देखी गई है, उन्होंने दो चक्र को शुद्ध करने की बातें बताई है, पहला है मूलाधार चक्र की शुद्धि और दूसरा है उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि। अर्थात उन्होंने इस बात को बताया है कि हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से भी अपने चक्र को शुद्ध कर सकते हैं, उसमें शुद्धि ला सकते हैं, मूलाधार चक्र की शुद्धि और उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि। तत्पश्चात यदि हम और कुछ बात करें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की, तो जिस प्रकार से एक साधारण सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि एक सूक्ष्म व्यायाम है केहुनी शक्ति विकासक, कोहनी शक्ति विकासक में हम अपने शारीरिक रूप से तो कोहनी के ऊपर हम फोर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर दबाव दे रहे हैं, तो परंतु दबाव देते समय जो हम सांस एक वेग के साथ श्वास ले रहे हैं, यानी वेग के साथ हम प्रश्वास भी कर रहे हैं,
तो उस समय वह हमारा जो क्रिया हो रहा है हमारे प्राणिक स्तर पर भी हमारे प्राण को भी एक्टिव कर रहा है, शारीरिक स्तर पर हमारे कोहनी को भी वहाँ पर एक्टिव कर रहा है, और मानसिक रूप से हमें वहीं पर केंद्रित करना है, अपने मन को वहीं पर केंद्रित करना है, शरीर के उसी अंग पर केंद्रित करना है जिस अंग के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक, कोहिनी शक्ति विकासक, यदि हम कटी शक्ति विकासक में 5 क्रियाओं का जिक्र किया है, और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने पहली क्रिया किस प्रकार से करना है, पैर मिले हुए हैं, दूसरी क्रिया में पैर खुला हुआ है, हाथ को कमर पर रखा है, फिर तीसरी क्रिया में परिवर्तन, चौथी क्रिया में परिवर्तन, और फिर 5वीं क्रिया में परिवर्तन, सबको वैज्ञानिक ढंग से करके सीक्वेंस एक संख्या के हिसाब से उन्होंने किया है कि पहले एक क्रिया करना है, तत्पश्चात दूसरा क्रिया में इस प्रकार से करना है, तीसरा और चौथा क्रिया या 5वीं क्रिया में इस प्रकार से उसका अभ्यास करना है। उसी प्रकार से जंघा शक्ति विकासक में 2 क्रियाओं का अभ्यास बताया उन्होंने, घुटने की चालन के लिए अभ्यास, पिंडलिन शक्ति विकासक। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमारा पूरा शरीर के मस्तिष्क से लेकर टोस तक आ रहा है। तो एक हमने छोटा सा उदाहरण दे करके बताने का प्रयास किया। दूसरी, यदि हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की यदि हम इसकी विशेषता देखें, जैसे आजकल हम देखते हैं कि सामान्य जन पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में लोग योग को अपना रहे, योग करने के लिए उनको हर एक स्थान का चुनाव करना है, परंतु यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की एक विशेषता है कि आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की कुछ अभ्यासों को आप कुर्सी पर बैठकर घर में कर सकते हैं, आप अपने दफ्तर में कर सकते हैं। दफ्तर में यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो कम से कम 5 से 10 मिनट यदि आपने समय निकाला तो उस यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की अभ्यास से आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही यदि हम दूसरी विशेषता देखें इसकी, तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बच्चे हो, बुजुर्ग हो, रोगी व्यक्ति हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, वो सभी लोग इस क्रियाओं का अभ्यास करके इसका लाभ ले सकते हैं और लाभ लेते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति की समस्या है, वह खड़ा नहीं हो पा रहा है, आसन पर स्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है, और उसको गर्दन की कुछ समस्या है, तो कुर्सी पर बैठकर ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक की क्रिया, मणिबंध शक्ति विकासक की क्रिया, या ऐसे अनेक उन क्रियाओं को कर सकता है जो उनके लिए आवश्यक है। तो ये तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की हमने चर्चा की। दूसरा, उस ग्रंथ में एक स्थूल व्यायाम की जो चर्चा की गई है, अर्थात स्थूल व्यायाम जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। स्थूल व्यायाम में 5 क्रियाओं का जिक्र किया गया है, परंतु उसमें जो एक क्रिया का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सर्वांग पुष्टि, जैसे कि नाम से ही व्यथित होता है, यदि हम किसी जन सामान्य को भी बोलें कि सर्वांग पुष्टि तो समझेंगे कि हाँ, हमें संपूर्ण शरीर की पुष्टि करना है, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखना है। सर्वांग पुष्टि की उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया गया है। दूसरी अनेक भी क्रियाएं हैं, जैसे इंजन दौड़, हृदय गति, उसमें बताया गया कि आप कम समय में किस प्रकार से आप अपने जो दौड़ने की प्रक्रिया है, बहुत सारे साधक हैं जो दौड़ना चाहते हैं, रनिंग करते हैं, वो कम समय में आप किस प्रकार से उस क्रिया का अभ्यास करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। परंतु आज का जो हमारा विषय है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पे, तो पुनः हम एक बार फिर से उसी व्यायाम पर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की जो महत्व है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की जो विशेषता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो सामान्य योग पाठ्यक्रम है उसमें भी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाओं को जोड़ा गया है, कुछ क्रियाओं को स्थान दिया गया है। परंतु हाँ, ठीक है,
वहाँ पर नाम का कुछ परिवर्तन हुआ है, नाम में कुछ नाम बदले गए हैं, परंतु उद्देश्य उनका एक ही है। जैसे यदि हम देखें तो सामान्य योग पाठ्यक्रम में ग्रीवाचालन जिसमें कि चार क्रियाओं का जिक्र किया गया है, पहला गर्दन को ऊपर और नीचे करना, दूसरा गर्दन को बाईं और दाईं ओर झुकाना, तीसरा गर्दन को बाईं व दाईं ओर मोड़ना, चौथा गर्दन को गोलाकार घुमाना। ये सारे वैज्ञानिक ढंग से पहली क्रिया में गर्दन को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहाँ पर जो एक खिंचाव विपरीत दिशा में जो होती है, वहाँ की मांसपेशियों को, वहाँ की नस नारियों को सुदृढ़ करती है, वहाँ पर रक्त के संचार को प्रवाहित करती है। और साथ ही यदि ग्रीवा से संबंधित कुछ समस्या है तो उसको ठीक करने में भी सहायक है। उसी प्रकार से यदि हम दूसरी क्रिया का जिक्र करें, स्कंद संचालन, जिसमें हम अपने हाथों को सांस भरते हुए कंधे के समीप तक ले जाते हैं। और ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, यदि हमें सिर्फ हाथ को ले जाना है तो हम बिना सांस लिए ही ले जा सकते हैं, परंतु यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की यही तो विशेषता है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की हर क्रिया में सांस और प्रश्वास को जोड़ा गया है, कहीं पर सांस प्रश्वास को तेज गति से तो कहीं पर धीमी से, परंतु सभी क्रियाओं में इसको जोड़ा गया है, जो इसकी विशेषता और इसके महत्व को दर्शाता है। दूसरी क्रिया स्कंद संचालन, यानी अपने कंधों को घुमाना। जब हम कंधों को घुमाते हैं उस समय भी हम श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं, तो हमारे कंधे के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही हम जब श्वास प्रश्वास करते हैं उतने समय में हमारे अपने सांस और प्रश्वास की गति को भी आयाम करते हैं, यानी उसको हम स्वच्छ करते हैं, लंबा करते हैं, उसमें ठहराव लाते हैं, तो एक विशेषता है इसकी। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ें तो कटिचालन की एक क्रिया है, जिसे हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में कटिशक्ति विकासक के नाम से जानते हैं। इसमें कमर को बाईं और दाईं ओर मोड़ने की क्रिया बताई गई है, दाहिने तरफ जाते हैं, पुनः बीच में आते हैं और फिर बाईं तरफ जाते हैं, इसी क्रिया को हम दोहराते हैं। यह क्रिया हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, कटिशक्ति विकासक। दूसरी तरफ इस क्रिया में जो एक और जोड़ा गया है वह है घुटना चालन, अर्थात अपने घुटने को किस प्रकार से मजबूत करना है, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए बताया गया है, परंतु जो बीमार व्यक्ति हैं उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करना है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की घुटने चालन का जो क्रिया है हमारे सामान्य योग अभ्यास में, उसे जंघा शक्ति विकासक क्रिया के नाम से हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में जानते हैं। यह क्रिया हमारे घुटनों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही हमारी जांघ की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। इतनी सारी क्रियाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। अंत में यदि हम कुछ शब्दों में यदि हम इस पर प्रकाश डालें, इस पर चर्चा करें, तो हम यह बता सकते हैं कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है, शरीर के सूक्ष्म नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है, और साथ ही साथ यह हमारी सांस की गति को परिवर्तन करने में, अर्थात सांस की गति किस समय तेज लेना है, किस समय छोड़ना है, किस समय सांस को रोकना है, उन सब के ऊपर एक विशेष प्रभाव डालता है। यदि हम ऐसा कहें कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम
आसन करने की पूर्व की तैयारी है या प्रथम सीढ़ी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से ही हम अपने शरीर को तैयार करते हैं अगला आसन करने के लिए। आगे की जो आसन है, आगे का जो अभ्यास है, हम उसकी तैयारी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से ही करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं तो सामान्य जन भाषा में हम समझ सकते हैं वार्म अप करना, अपने शरीर को वार्म अप करना यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया से। तो जिस प्रकार हमें यदि आसनों का अभ्यास करना है उसके पहले हमें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास और साथ ही स्थूल व्यायाम का अभ्यास अवश्य करना है, क्योंकि जब तक आप प्रथम सीढ़ी पर नहीं पैर रखेंगे तब तक आप तीसरी या चौथी सीढ़ी पर कदम रखने का प्रयास करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। जिस लक्ष्य के लिए आप योग साधना कर रहे हैं वह लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। उन 48 क्रियाओं में से जितना संभव हो उतना अभ्यास करें, यदि संभव है तो 48 क्रियाओं का अभ्यास करें, परंतु हाँ उन क्रियाओं को आप एक बार अपने योग शिक्षक, योग चिकित्सक या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही उसका अभ्यास करें, क्योंकि बहुत सारी क्रियाओं में सांस को रोकने की गति को, बहुत सारी क्रियाओं में कूदने को बताया गया है, बहुत सारी क्रियाओं को तेज गति से करने को बताया गया है। यदि आपके शरीर के अनुसार वह नहीं हो पा रहा है तो उसका अभ्यास आप ना करें। अंत में यदि हम इस बात को देखें कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की अभ्यास से ही मात्र आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ कर सकते हैं, कम समय में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से आपकी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान करने में सहायक हो सकता है, परंतु उसका वैज्ञानिक ढंग से सीखना है, जो तरीका सही ढंग से बताए गए हैं उसको सीखना है। तो आज जो हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के विषय में जो व्याख्यान दिया आपको, यह व्याख्यान काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग इस व्याख्यान को अवश्य सुने और इसका उपयोग करें। तो आज की व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। पुनः एक बार अपने आंखों को बंद करके हम हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और प्रार्थना से इसको समाप्त करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।